मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पंजाब में देशभक्त यूनिवर्सिटी यानी कि DBU में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों पर पुलिस की बर्बरता से पूरे देश में आलोचना हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये वही पंजाब है जहाँ खुद को सेकुलर बताने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस आम आदमी पार्टी शासित राज्य में छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता सामने आई है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा है, उनके हिजाब सिर से खींच लिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, आरोप लग रहा है, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताते हुए इससे इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय ने लगभग 70 कश्मीरी छात्रों का, जो विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे थे, सरदार लाल सिंह कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया था। जबकि DBU पंजाब से संबंध होने के बावजूद भी संस्थान को भारतीय नर्सिंग काउंसिल से मान्यता नहीं है। इसी मामले को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की है, उनके हिजाब खींचे और कपड़े भी फाड़ने का आरोप पुलिस पर लग रहा है। जी, हम देशभक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हमें डिग्री का इश्यू था तो हम बस अपने डिग्री के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमें जो डिग्री मिले वो INC अप्रूव्ड हो। कुछ दिनों से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हमें जो मेल पुलिस है उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया, हमें मारा। आप देख सकते हैं, ये मुझे SP ने यहाँ पे मारा है, मुझे पैर में भी मुझे लगी है और इसको डंडा मारा है, इसकी सिर पे डंडा मारा है DSP मैम ने खुद। और DSP मैम ने बोला उनको कि इनके कपड़े फाड़ दो। DSP मैम एक लड़की होते हुए उन्होंने बोला है कि इनके कपड़े फाड़ दो। हमारे हिजाब से, हाँ, इनके हिजाब के साथ खेला गया यहाँ पे और इनके साथ बहुत बहुत बुरा सलूक किया गया इनके साथ। और हमारे पर लाठी से लाठीचार्ज भी किया। जो मारने वाली पुलिस थी वो पंजाब की मेल थी, मेल पुलिस थी। मेन चीज हमारी फैकल्टी थी, फैकल्टी भी मेल थी। उन लोगों ने भी हमें बहुत मारा, उन्होंने बहुत लोग मारा। एक लड़के का यहाँ पता चला है कि सिर फट गया है, उसका क्या नाम है? वो हमारा क्लासमेट है, उनका नाम साकिर है। उनके सिर पे किसी ने डंडा मारा है, वो भी पुलिस ने डंडा मारा है। तो अभी उनको बहुत सारे स्टिचेस आए, 15 स्टिचेस के आसपास अभी वो एडमिट ही है। सीरियसली? हाँ, सीरियसली अगर बोला जाए तो सीरियस, क्योंकि सिर पे उनको चोट आई है तो उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो वीडियो हमारे पास है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। वो कल आप किससे मिलकर आए थे? कल हम मिलने गए थे हेल्थ मिनिस्टर से, हम कल मिलने गए थे, लेकिन आज यहाँ पे हमारे साथ यही हुआ। तो हाँ, आप पंजाब की आवाम से क्या कहना? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो पंजाब है, पंजाब को भी दबाया गया है और कश्मीर को भी दबाया गया है। पंजाब और कश्मीर का आपस में रिश्ता है, दोनों को दबाया गया है। इस वक्त हम पंजाब में हैं तो हम पंजाब के लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा सपोर्ट करो, हमारी मदद करो। इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं, हमारे साथ क्या करे? जिन्होंने हमारे कपड़े फाड़े वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सर, जो देशभक्त की वाइस चांसलर TK मैम है सर, उसने एक लड़की का गला दबाया और मुझे यहाँ पे डंडा मारा सर। तो अभी जो डिग्री वाला मामला था उस पर मैटर क्या है? असलियत में वो पता चला है कि यहाँ 100 सीट थी और उन्होंने 200 के करीब बच्चे रखे, ऐसा पहले भी मामला हुआ था क्या? यस सर, इससे पहले भी यहाँ 2 साल पहले स्टूडेंट्स